अपने पैर के उंगलियों को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचे रहेंगे और स्पाइनल कार्ड हमारा एकदम सीधा रहेगा। इसके बाद अगर इसमें प्रोटोकॉल में तो नहीं है मैडम, बताना थोड़ा इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम पैर को करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा और मेरे लिए तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पार्क में मैं 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ सीधा सीधा और 500 मीटर या 1 किलोमीटर उल्टा दौड़ता हूँ, तो उसी में बीच में एक गड्ढा आ गया और मेरा पैर थोड़ा मूंछ खा गया है। लेकिन घुटने के लिए उल्टा चलना उल्टा दौड़ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अकेले में कभी नहीं करना चाहिए। हम तभी करते हैं जब मेरे 3-4 दोस्त लोग बात करते हुए सामने से चलते हैं, वो सामने से चलते मैं उल्टा चलता हूँ तो उसी में हो जाता है और पीछे वाला खुद ही देखता है कि उल्टा आ रहा तो बचने की कोशिश करते हैं तो टकराते नहीं है। अब एक बार इसको अपने साइड में घिसेंगे, फिर बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ। इसको भी सांस के द्वारा करते हैं तो इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। सांस को लेते हुए अपनी तरफ छोड़ते हुए आगे। अब हम जो है बटरफ्लाई, तो अभी तो पूरा बटरफ्लाई नहीं, वज्रासन बोलते हैं, सामने की तरफ बैठेंगे और अपने जैसे हाथ जोड़ते हैं उसी तरह पैर को आपस में कर लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा हम आगे आने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अपनी हाथों को भी लॉक करते हुए उस पैर को बैंड कर लेंगे। इसके बाद बटरफ्लाई, जब इस तरह करते हैं तो यह आसन बटरफ्लाई में चला जाता है और जब सिर्फ इस तरह करके बैठते हैं तो ये हमारा उसमें आ जाता है, भद्रासन में आ जाता है। तो भद्रासन की एक मुद्रा तो और ऐसे होती है, ये एक्चुअल भद्रासन पूर्ण भद्रासन इसमें आता है। इसको आप खोलने के लिए इसके बाद लंबी गहरी सांस को लीजिए और पूरा कंप्लीट सांस छोड़िए, पेट बिल्कुल खाली और अपने सामने वाले वॉल को देखते हुए अपनी पीठ को आगे की ओर झुकाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ तक कंफर्टेबल, गर्दन ऐसे आगे नहीं झुकाना है। आप सामने वॉल को देखेंगे तो पोस्चर आपका सही जाएगा। जितना होल्ड 5 सेकेंड होल्ड करिए और फिर से सांस को लेते हुए वापस 2 बार और रिपीट करिए। सामने से आप 2 लोग हैं ना, पूरी पूरी गलती करेंगे, ऐसे इस तरह से करेंगे तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ये बॉल है उसको देखते हुए आगे की ओर आप पड़े, बस धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, अपने आप वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। अपने पैरों को मोड़ लें और एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आते हुए सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, एक बार देख लें, फिर इस पर जोर देते हुए ये अपने बाएं पैर को मोड़ लेंगे और इस स्थिति में बैठ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं वज्रासन। ये अपने स्पाइनल कार्ड को एकदम सीधा रखेंगे, आप देखेंगे कि जितनी पैर की दर्द थकावट है ये सब इससे दूर हो जाता है और खाना खाने के बाद का यही एक आसन है। हर आसन में होते हैं, खाना खाने के बाद आसन नहीं करना चाहिए, 1 घंटे बाद करें 2 घंटे बाद करें, लेकिन यही एक ऐसा आसन है कि खाना खाने के बाद किया जा सकता है, पेट वज्र के समान हो जाती है, इसकी लाभ ज़बरदस्त है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है अनिल केसरी योगा के नाम से, उसमें शायद 118 वीडियो हमारी होगी और हमारे तो व्यूवर्स भी शायद लाखों में अब हो गए होंगे। तो ये आसन बच्चों को अगर शुरू से ही हम आदत डालें कि खाना खाएं, या तो इसी आसन में बैठा के खाना खिलाएं
और यह खाना खाने के बाद इस पर बैठा दें, और जब आप ऑफिस में हो, अगर गद्दी पर हो तो उस पर भी ऐसे बैठें, और जब थक जाए, पैर में थकावट है, तो इस तरह पैरों की मसाज आपस में हो जाती है। तो इसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हैं और सामान्य सांस लेते रहते हैं। किसी एक आसन में अगर 3 घंटा 41 मिनट तक हम बैठते हैं तो आसन हमारी सिद्ध हो जाती है। तो ये हमारा वज्रासन पूर्ण हुआ। अब इसमें इसके बाद जो है इसी आसन में इंक्लूड हुआ है उसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। तो एक बार आप लोग देख लें और फिर करें। जी, दोनों पैरों की उंगलियों बुढ़िया ये सटा लेंगे, ये इस तरह जो है ताकि यहाँ चिनिक न पड़े। जो जितना कर सके उतना ही करेगा, ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी चक्कर आ जाते हैं। तो ये 4 उंगलियां हमारे पीठ पर सपोर्ट के लिए होंगे, अंगूठे आगे की तरफ होंगे और हम कमर से, ये चीज तो हमारा सीधा रहेगा ही, हम कमर से झुकेंगे जितना अधिक से अधिक झुक सके सांस को छोड़ते हुए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो 3 बार कर लें इसे। ये जो था उष्ट्रासन था, अभी जो हम लोगों ने किया वो अर्ध उष्ट्रासन था, ये उष्ट्रासन। इसको करने की विधि, उसी पोजीशन में रहेंगे, पहले हम अपने हाथ को एक आगे सामने करेंगे और ये पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे करके पीछे मुड़ेंगे और ये हाथ जो है पूरा जैसे हमारा पैर है इस पर रखेंगे, इस पर जोड़ देंगे। फिर इसके बाद इस हाथ को अपना आगे करते हुए ये झुकेंगे इस तरह, और गर्दन को, बहुत आरामदायक आसन है, आप इसमें जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हैं, स्ट्रेच ले लें जितना हो पाएगा। इससे गर्दन आपकी, जो काफी लोगों का गर्दन लटकता रहता है ना, वो इससे गर्दन खिंचा जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे चेहरे की तरफ होगी, तो कभी भी आपको चेहरे का मेकअप नहीं करना पड़ेगा, चमक हमेशा बरकरार रहेगी। और सांस को लेते कुछ जिस तरह गए उसी तरह वापस आएंगे। गर्दन पीछे की तरफ जाएगा सर, करा ले फिर आ जाए। एक बार अच्छा फिर से हम करके दिखाते हैं आराम से कीजिए सांस को इसमें। अगर हम अंदर, अगर पेट के अंदर अपने सांस रखते हैं तो ये नहीं आसन हो पाएगा। तो सांस को छोड़ते हुए एकदम टेक्निक इसका यही है कि जैसे जैसे हाथ जाए वैसे वैसे सांस छूटना चाहिए, सांस का और शरीर का बैलेंस होना चाहिए। तेज होता तो सांस दिखाई बस एकदम आराम से डाल दें, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग पहले अभ्यासी हैं। मेडिकल साइंस के पास इसकी मसाज करने का साधन नहीं है, सिर्फ योगा में ही हम अपने स्पाइनल कार्ड की सब जितने चीजें मसाज कर लेते हैं, मेडिकल में ये मसाज अभी नहीं हो पाती है। और एक इसमें कर नहीं है जो मरकट आसन, वो भी ट्विस्ट करता है शरीर को, बहुत अच्छा ट्विस्ट करता है। मैंने कहा अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है तो
मरकट आसन से खत्म हो जाता है। योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त का संचार बढ़ता है। यह योगाभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि इसमें हमारा हार्ट खुलता है, हम ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक ही किया जाना चाहिए कि किसी को चक्कर वगैरह ना आ जाए, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक आराम से किया जाना चाहिए। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, हार्निया एवं उदर संबंधित गंभीर व्यक्ति या गंभीर व्याधि तथा आर्थराइटिस, चक्कर आना, स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उष्ट्रासन ऊर्ट जैसी शारीरिक स्थिति, इस आसन के अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति उष्ट्र के समान यानी ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में कुछ और भी लाभ दिया है, दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है, यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है, यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में भी सहायक है, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। उक्त रक्त अब सावधानी में दिया, उक्त रक्तचाप हृदय रोगी हार्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं शशका आसन। शशक माने खरगोश, तो खरगोश की स्थिति में अक्सर आप देखेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका यह बड़ा अच्छा आसन, वो ज्यादा इस आसन को करते हैं। इस आसन में भी हमें वज्रासन में ही बैठ के करना है, शशक के समान अपने ये पैरों को आगे की तरफ थोड़ा सा फैला लेंगे और जमीन पर बैठ जाएंगे, लेकिन जिसको घुटने की प्रॉब्लम हो इसको नहीं करेगा क्योंकि पैर सबका मुड़ नहीं पाता है, और हाथ को हम ऊपर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम अपनी ठुड्डी को पृथ्वी से सटा देंगे। करके दिखा दीजिए, एक बार फिर से देख ले। पहले इस स्थिति में वैसे वज्रासन थोड़ा जब हम पैर को आगे से फैला लेते हैं, अब हम सांस को छोड़ते हुए ये मेरा कुछ लोगों का जैसे देखें हिप ऊपर की तरफ उठ गया, हिप को एकदम सटा रहना चाहिए और चेस्ट को भी जमीन से सटा देना चाहिए, माने इसमें सब कुछ जमीन से सटा रहेगा, हिप भी। एक बार देख लें जैसे हम करते हैं, सांस को हम छोड़ते हुए ये देखेंगे एकदम बड़ा आराम मिलेगा। अक्सर आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि जो बॉर्न बेबी होते हैं वो इसी आसन में बैठते हैं, छोटे बच्चे अक्सर इसी आसन में बैठते हैं, और खरगोश जैसे सॉफ्ट होता है वैसे ही शरीर भी आपका एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। बहुत ही सुंदर आसन है, आप चाहे तो इसी में निद्रा भी ले सकते हैं। इसका लाभ हम बता देते हैं, शशका आसन का अभ्यास तनाव क्रोध आदि को कम करने में सहायक होता है, यह जनन अंग संबंधित व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है, पाचन क्रिया संबंधित व्याधि व पीठ दर्द में भी
यह काफी छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसे कुछ सावधानियां भी हैं। अधिक पीठ दर्द में यह आसन को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित व्यक्तियों को इस अभ्यास की सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उक्त रक्तचाप वाले व्यक्ति को इस आसन को परहेज करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर जिसको उसको बचना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान मंडुकासन। उधर दिशा में मेढक के समान बैठ जाना है। अब मेढक कैसे बैठता है, इस पैर को जैसे अभी हम लोगों ने फैलाया, जमीन पर बैठ जाइए पैर के फैला के, और अपने हाथों को सामने कीजिए ऊपर, और दाएं बाएं ये आपका दाहिने हाथ से बाएं शोल्डर्स को और बाएं से दाहिने को, और ये फैला देंगे एकदम। कोशिश करें जिससे हो पाएगा वही करें। बहुत अच्छा आसन है। आप देखेंगे आपके पैर की दर्द वगैरह जितनी है सब दूर हो जाएंगी। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। सावधानियां, घुटने और जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन से परहेज करना चाहिए। जिसको अगर घुटने में प्रॉब्लम है या पैर मुड़ने में प्रॉब्लम है उसको नहीं करना चाहिए, नहीं दर्द बढ़ जाएगा। अब इसके बाद एक आसन है वज्रासन। ये शॉर्टकट में इसको वज्रासन है, लेकिन ये बहुत अच्छा आसन है। तो पूर्ण जब आसन हम करते हैं तो कहा जाता है अगर यमराज भी आ जाए, अगर उस आसन में आदमी बैठा है तो तब तक नहीं छुएगा जब तक उस आसन में बंधा हुआ है। तो उसका ये छोटा रूप है क्योंकि थोड़ा वो कठिन आसन है। तो हम वक्रासन करते हैं। पहले दंडा आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम अपने दाहिने पैर को उठाते हैं और बाएं हाथ को उठाते हुए इस तरह क्रॉस मारेंगे। अपने घुटने के अपोजिट को क्रॉस करिए। पहले इस तरह हो जाए और इसके बाद धीरे से एक बार देख लो, उसके बाद भी ना दिखी तो बस ये करेंगे और इस हाथ से इसको लॉक कर देंगे और पीछे की तरफ अपने कंधे को देखेंगे सांस को छोड़ते हुए। पेट एकदम खाली रहेगा तभी यह आसन हो पाएगा। इसे छोटी आंत और बड़ी आंत का मसाज जबरदस्त हो जाता है, इसको कब्जियत वगैरह की शिकायत है वो दूर हो जाती है। पैर की उंगलियां आपको ऊपर की तरफ रहेगी, सांस सामान्य स्थिति में रहेगा और पेट को पूरी तरह फिश कर लेना है। आंख सीधा रहेगा, गर्दन आपके कंधे के जाएगा। इसमें रुके, अब धीरे धीरे हम वापस स्थिति में आएंगे। ठीक है दादा ना, एक बार इसी क्रिया को हम अपोजिट दिशा में करते हैं। हम अपनी बाएं पैर को मुड़ेंगे और इस बार अपनी दाहिने हाथ को लेंगे, अपने घुटने को इससे लॉक करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, पेट को पूरा खाली कर देंगे, सामान्य स्थिति में सांस लेते रहेंगे और धीरे से हम घूम जाएंगे।